अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे खैरियत से। हाजिर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। कुछ देर पहले कैनल पे आया था तो माजरत कि मैं घर से रस्ते की वीडियो नहीं बना सका। तो आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि बादल कहाँ गया, बैला के पपीज किधर गए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आजकल इन दिनों में तो काफी दोस्त मेरे से सवाल पूछते हैं कि बादल किधर गया और बैला के पपीज किधर गए। वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कौवे चेक करें, खाने का टाइम है इनके, बहुत सारे हैं। आधे वो दरख्त में बैठे हैं, आधे उस दरख्तों में बैठे हैं, आगे पीछे से चेक करें। सबसे पहले जी पाकिस्तानी बोली पपी चेक करें आप, और ये शोर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डोरे को देख के। अच्छा, जब ये वाले पपीज खुले होते हैं तो इतना शोर नहीं करते, ठीक है, लेकिन जब ये बंद होते हैं तो कोई इस एरिया में आ जाए, जैसे कि अभी ये देखें रानी भी इधर ही है, और वो देखें डोरा भी इधर ही है, उसके अलावा एल्सा इधर बाहर है, ठीक है, तो इनको देख के ये काफी ज्यादा जो है शोर करते हैं। वैसे खुले हों तो सारों के साथ घुल मिल जाते हैं। और उसके अलावा मैक्स देखें, हैप्पी और कैली, अभी छोटी गुलियों को खोला हुआ। रानी को देखें, रानी किधर गई, रानी देख रानी बैठ गई। ये रानी और एल्सा है, उसके अलावा डोरे से एक फीमेल आई थी क्रॉस होने के लिए, वो भी इधर ही है। तो अभी इनको छोटी दुनिया सारों को मैंने खाना डाल दिया, खाने में नो कॉम्प्रोमाइज, पहले खाना उसके बाद फिर वीडियो बनती है इनको। तो कौवे भी काफी इकट्ठे हुए हुए थे, क्योंकि जब इनको खाना डलता है तो वो भी बीच में हिस्सा अपना लाजमी डालते हैं। तो उसके अलावा अभी फिर बारी बारी सारों को खोलना है, बल्कि हाँ अभी सारों को खोलना है, छोटी दुनिया को बंद करेंगे। तो आज की वीडियो में सारे अपने जितने भी डॉग्स हैं सब डॉग्स आपको दिखाऊंगा मैं। अभी जी सारे चक्रे खोले हैं, वो देखें पीछे पाको को मचे हुए हैं सारे, और जिस तरफ मैं जा रहा हूँ उसी तरफ मेरे साथ साथ ये रहते हैं। अभी ये देखें हैप्पी है इधर, ये इधर कैली है, ठीक है ना, वो जैकी है, ये रॉकी, ये ब्लैकी, ये मिली और ये पाको, सारे खुले हुए हैं। सारों से मुराद यानी कि जो आपस में लड़ते नहीं है वो सारे खुले हुए हैं, और सारे इधर मेरे पास ही चमगट्टा इन्होंने बनाया हुआ है। एक भाई ने कहा था इनको कोई टॉय वगैरह दें जिससे ये खेले। टॉय का मसला ये है, अगर सारे टॉय के साथ अटैच हो जाते हैं तो मैं फेंकूंगा तो फिर ये आपस में लड़ते हैं, वो जरा ज्यादा डेंजरस मामला हो जाता है। जैसे खाने के टाइम बेशक जितना मर्जी पास रहता हो तो कोई कोई बर्दाश्त नहीं करता, खाने पे लड़ाई हो जाती है इनकी, तो इसी तरह टॉय पे भी ये लड़ाई शुरू कर सकते हैं। तो इस वजह से टॉय वाला मजाक मैंने नहीं रखा हुआ, जब सारे खुले हुए हो तो टॉय वगैरह नहीं फेंकता। हाँ ब्लैकी खुली हुई हो तो उसको जरूर मैं खिला देता हूँ। अभी ये देखे ना पाको है, ठीक है, अमेरिकन अकीता ब्रीड है, ओए रॉकी, हैप्पी और मिली खड़े हुए हैं, ये कैली जा रही है स्टॉक कोड में, ये ब्लैकी है, जैकी पानी पी रही है उधर बाल्टी में, उसके अलावा वो मैक्स है पीछे केज में, वो देखें वो, उसके साथ भी छोटी दुनिया, और सबसे कोने पे जो है फिबी और गोल्डी बंद किए हुए मैंने। तो अभी इनको दिखाता हूँ मैं आपको, करें जी पाको एंड मिली। पाको के साथ मिली भी खेलती है अच्छे तरीके से, और ब्लैकी भी इसको बहुत तंग करती है, फिर जब ये आवाज़ निकालता है एक ही जोर की फिर दोनों इसको छोड़ के भाग जाती हैं। ये रॉकी है, रॉकी भी शुरू शुरू में पाको के साथ बदमाशियां करता था, लेकिन वो आवाज़ ही निकालता है तो रॉकी जो है दूर हो जाता है। ये ब्लैकी है, उलटबाजियां मार मार के इसने अपने ऊपर भी सारा वो लगाया हुआ, वो हैप्पी और कैली है। शोला और वो जो है रेस्ट कर रहे हैं, दिखाता हूँ वो भी आपको मैं, तो देखें नजर आए इस तरफ आगे। ये
क्योंकि वो सारे खुले हुए हैं ना, ये तप रहा है, ये तपता है सारों में। पाको की तरह ये देखेंगे इधर पाको, वो कोने पे पाको पे ज्यादा तप चढ़ती है इसको। ओए छोड़ दे उसको, उस मिली तू बाज नहीं आती। ब्लैकी की सारों के साथ ही दोस्ती है, लेकिन खाने के टाइम जो है जैकी उसको नहीं बख्शती। मिली के काम देखें, कैली मिली आपस में अगर तुम लड़ी ना तो फिर देखना तुम। इनकी जो तेवर है हल्के फुल्के बता देते हैं कि भाई रोला होने वाला है, तो इस वजह से उनको मैं इनको आवाज ही लगा देता हूँ कि ब्लैकी को देख रहे हैं। ब्लैकी अपनी हरकतें, क्या बंदा इसको करे। रॉकी भी इसके साथ गई है, ब्लैकी भी और हैप्पी भी, ये सारे शुरू हो जाते हैं। मिली भी है लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं करती इस तरह का। सबको खोलेंगे, खाली मैक्स को नहीं खोलेंगे, क्योंकि कल भी इसने पाको की तरफ गया तो अपने ही पैर इसने जख्मी किया। बेला, अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि बादल जो है इमरान भाई के पास वापस गया हुआ है, क्योंकि मैंने उनको कहा कि इसकी मेडिकल जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर डाइट का मसला होता तो ज़रूर डाइट से वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाता। मैंने कुछ ऐसा रखा, उसके बाद मैंने इमरान भाई को बताया, उन्होंने कहा जी ठीक है आप वो आए हैं और वापस ले गए हैं इंशाल्लाह जब वो उसकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, क्योंकि इमरान भाई खुद इधर होते ही नहीं है, यूके में होते हैं, पीछे से ये मसला हुआ, तो जब वो ठीक होगा तो वापस आ जाएगा। और पहला के जो पपीज़ हैं वो पपीज़ सारे मर गए थे, एक्सपायर हो गए थे। वीडियो मैंने इस वजह से नहीं लगाई क्योंकि ये शौक है, शौक में नुकसान होता रहता है, तो मरे इस वजह से थे कि यार बस ठीक ठाक थे, ऐसा ऐसा जो है ढीला होना शुरू हो गए और फिर एक एक करके मर गए। सारे पपीज़ मैंने सेल किए हुए थे, आसिम भाई को किया हुआ था, अवैस भाई को किया हुआ था, बिलाल भाई को किया हुआ था, ठीक है ना, और इसके अलावा हमजा भाई हैं मेरे कज़न हैं, उनको मैंने दिया हुआ था। सारे पपीज़ जो हैं एक्सपायर हो गए थे, तो ये सीन थी। इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से बैला के पपीज़ नहीं दिखा रहा, वरना मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अगर दोस्त कहेंगे तो उनकी डिटेल एक वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। वीडियोस मैंने बनाई हुई थी लेकिन मैंने अपलोड करना मुनासिब नहीं समझा। और एंड पे आ जाते हैं जी फिबी, और वो देखें गोल्डी, इन दोनों को खोल दिया, इनको बंद करेंगे बस। जी तो फ्रेंड्स, ये सीन हुआ, बादल चला गया वापस और पहला के जो पप्पीज हैं वो सारे एक्सपायर हो गए थे। उसके अलावा अभी सारे कैनल्स वगैरह की सफाई भी होगी, इनको खाना भी दे दिया, अब सारे बंद भी हैं और मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मैक्स, फिबी खाली, हाँ फिबी भी मेरी तरफ ही देख रही है, ये सीन है जी। बाकी शौक कोई भी है उसमें नुकसान 100% होता है, 100%, तो इस वजह से। और ये पपीज उस दिन एक्सपायर हुए थे जिस दिन मैंने कहा था कि मैं अपने सारे डॉग्स ख़त्म कर रहा हूँ, यानी कि उसके बाद आपने फिर उनकी वीडियो नहीं देखी होगी। एक ही पपी बचा था, वो बिलो वाला पपी था, वो उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई, वो मैंने दे दिया था। और अभी भी मेरे पास डॉग्स अवेलेबल हैं, अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हो लेना चाहे तो वो ले सकता है। अमेरिकन अकीता है मेरे पास, और उसके अलावा जर्मन शेपर्ड्स हैं, लैब्राडोर की एक फीमेल है, रॉटवाइलर का मेल है, और प्राइस जो है मैं कमेंट में नहीं बता सकता। जो भाई इंटरेस्टेड हो मेरे नंबर पर रब्ता करे या मेरे इंस्टाग्राम पर रब्ता करे। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।